हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह किचन में लगी थी। आज ये ना बर्तन मेरे रात के रह गए थे, तो इनको मैंने अभी धोया है। कुछ बर्तन रह गए थे मेरे रात के, तो फिर मैंने उनको अभी धोया और सिंक भी अच्छे से साफ करी। अभी काम चल रहा है, अधूरा पड़ा है। और यहाँ पे मैंने ये वाटरमेलन यानी तरबूज और ये कचरिया, ये सारी जो सब्जी आई थी ना, इन सबको धो के अच्छे से साफ करके रख दिया है। और अभी फ्रिज में चेक किया तो ये छोले है ना, उस दिन ना पूनम के दिन जो मैंने बनाए थे ना, उसमें से इतने बचा लिए थे, क्योंकि ये ना खराब होने लगे थे। देखो इसमें एक हॉल है ना, तो ये ना खराब हो रहे थे, तो मैंने क्या किया कि सबको एक साथ भिगो कर रख दिया। तो इससे क्या है कि पता पड़ जाएगा अगर जो खराब हो रहा है ना, तो उसको मैं निकाल दूंगी। और इनमें से सही सही अभी मैं अच्छे से इनको पानी में दो तीन बार धोऊंगी, उसके बाद इनको उबलने के लिए रख दूंगी। तो मैंने कहा खराब होने से तो बढ़िया है कि हम चीज को ना बना लें। तो इससे क्या है कि अभी खराब होना बच गए। मैंने इनको भिगो कर और निकाल कर रख लिया था, अब मैं इनको उबाल लूंगी। और चलिए आज मैं ना आपसे प्रॉपर छोले की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि उस दिन तो मैंने केवल टमाटर की प्योरे से भी सब्जी बनाई थी, आज मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। और यहाँ पर बन रही है चाय, तो काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि दी अब आप कॉफी नहीं पीते हो, तो कॉफी भी पीती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि जब से मोलू का एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैं कॉफी खुद बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मुझे, मैं कॉफी बनाकर पी ही नहीं पाती थी मोलू की वजह से, तो इस वजह से क्या हुआ कि ना अब चाय पीने लगी हूँ मैं। तो अभी सुबह के टाइम तो चाय पीती हूँ और शाम को भी कभी कभार पी लेती हूँ। और एक्चुअली कॉफी बनाना, पता है क्या था, मोलू को जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो कॉफी खत्म ही हो गई थी घर पे, तो मुझे चाय पीनी पड़ी। तो फिर मैंने कहा चलो जो मिल रहा है वही सही। तो यहाँ पर ना अभी सुबह की बन गई है चाय, एक बार बन चुकी है, ये दोबारा बन रही है। तो चलिए मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद ना छोले को धोऊंगी और साफ करने रखूंगी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तरबूज थोड़ा इनका है, है अभी बेटा घर बाहर से आया, चेक किया मैंने, बस केवल रखा है ये। तो बहुत गर्मी है यार सुबह सुबह से। अरे मैं लेट आ जाए, गर्मी घर में जाए यार, पर मैं देखू क्या करूँ यार, आगे प्रोग्राम स्कूल पर भी जाकर प्लांट चलाऊ। तो यहाँ छोले मैंने ना साफ करके अच्छे से कुकर में रख लिए, पानी भी ले लिया। और उसके बाद है ना, यहाँ पर मैं ना चाय पत्ती जो डालते हैं ना कई लोग कपड़े में बांध कर, तो वो मैं नहीं डालती हूँ। मैं यहाँ पर है ना चार छोटे छोटे पीस मैंने आंवला के लिए हैं, सूखे वाले आंवला, वो मैंने डाल दिया है। इससे पता है कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसके साथ साथ है ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाली है दालचीनी के दो छोटे टुकड़े, एक बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने इसी के अंदर डाल दी हैं। मैं आज है ना सब्जी में नहीं डालने वाली हूँ, मैंने उबालने के साथ ही डाल दी हैं। और बस इसको ना अब सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे, 4 से 5 सीटी आएगी, तब तक मेरे छोले हैं ना कम्प्लीट, यानी जैसे पकने चाहिए ना वैसे पक जाएंगे। तो छोले यहाँ बनने रख दिए, साथ में मैंने चावल भी रख दिए हैं, क्योंकि आरू मोलू है ना वो सुबह ही कुछ ना कुछ मांगते हैं, और आज मैंने नाश्ता बनाया नहीं है, तो चावल बना के रख दूंगी। और उसके बाद है ना चावल बनने लगेंगे, तब तक मैं अपना पोंछा वगैरह कर लूंगी। तो यहाँ पर ना मैं अभी लगा रही हूँ पोंछा पूरे घर में, झाड़ू वगैरह तो मैंने सुबह उठते ही कर लिया था। और लेकिन मैंने ना खाना इसलिए जल्दी बनाया क्योंकि जय को ना जाना था स्कूल पे, आरो जो प्योरीफायर है ना उसको चलाने के लिए। तो फिर वो बोले मुझे भूख लग रही है, तो मुझे तू खाना बनाकर ही दे दे, क्या पता मैं दोपहर में लंच के टाइम पर आ पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि वो नहीं आ पाते हैं ज़्यादातर ना, वो पानी बनाने के लिए वहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये जो फिल्टर है ना उसको चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है, पूरे दिन मशीन का ध्यान देना पड़ता है, इस वजह से वो आ नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने खाना उनके लिए फटाफट से बना दिया और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की क्लीनिंग। पोछा वगैरह कर रही थी, यानी करके फ्री हो गई थी, बस हाथ धो रही थी, इतने में जय आए, बोले फटाफट से ना सैंडविच बना दे दो। मैंने कहा क्यों अचानक से क्यों, तो बोले कि है ना पापा को बुखार आ गया है, उनको दवाई देनी है।
तो मैंने कहा अचानक से बुखार, क्योंकि इस टाइम पे अगर बुखार आ गया ना किसी को तो जिसको आता है उसकी तो हालत ख़राब होती ही होती है, साथ में ना घर के दूसरे इंसान की ना हालत ख़राब हो जाती है। मेरे को तो सुन के ही इतना घबराहट हो गई, मैंने कहा बुखार। फिर हम लोगों के हाथ पैर ना इतनी स्पीड से चले ना, फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया, जैने उनको दवाई दी, गर्म पानी काढ़ा ना और फ्रूट वगैरह, यूँ समझो कि ना हमारे घर में ना कुछ अलग सा माहौल हो गया डर की वजह से। हालांकि पापा को ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी डर लग गया। और उनका ना जैने आज है ना, यानी एक दिन पहले की ये वीडियो है, तो आज है ना जैने उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया था तो 98 आई थी। सो हम लोगों को बहुत रिलीफ हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, खांसी वगैरह उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन बुखार आना इस उम्र में काफ़ी यानी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो अभी है ना मैं बस वही कर रही हूँ सैंडविच बनाकर और जा रही हूँ देने के लिए। तो मैंने आरू को आवाज़ दी, मैंने कहा आरू तू जाके बाबा को ये सैंडविच दे दे, बट उसने सुना नहीं, वो भग गई। फिर मैंने जय को बोला कि क्या करूँ, तो जय बोले कि दे आ क्या फ़र्क पड़ता है, जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्या हमारे हाथ से वो खा भी नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, अब तुम बोल रहे हो तो मैं चली जाती, तो भी देखो मैं कितना बड़ा घूंघट करके गई हूँ वहाँ पर। और मुझे बहुत अजीब लगता है, लेकिन मैं जब भी कहती जब हम आपकी सेवा करने का हक रख सकते हैं तो फिर हमें और भी चीज़ों का हक मिलना चाहिए। तो क्या पता, मुझे लगता है इस जन्म में तो ये सब नहीं हो सकता। तो चलिए वो सब छोड़िए, यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। तो तेल गर्म हो गया, उसमें मैंने जीरा हींग डाल दिया, प्याज डाल दी, अच्छी तरह से प्याज को भून लेना है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक ये इस तरह से अगर आप छोले की सब्जी बनाते हो ना बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस। और मैं ना दो तरीके से बनाती हूँ, आप चाहो तो ना छोले को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दो, या फिर कढ़ाई का जो मसाला है ना उसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दो। तो मुझे जल्दी थी क्योंकि जय को जाना था स्कूल, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से मैं इस तरह से बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी, पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। उसके बाद है ना टमाटर की प्योरे बनाई है, तो प्योरे मैंने कद्दूकस पे है ना, यानी टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, तो बहुत अच्छे से ना उसकी प्योरे बन के आ गई है। मिक्सी चलाने का झंझट नहीं रहा, फटाफट से काम हो गया। और अच्छे से जब टमाटर भी पक गए ना, तो ये जो सारा मसाला है ना इसको उठा के मैं जो छोले मैंने उबाल के रखे थे ना उनके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि मुझे उतावल थी। अगर आपको छोले बहुत ज़्यादा उतावल में बनाने हैं ना तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, बहुत अच्छा कढ़ाई वाला टेस्ट ही आएगा और उसके साथ साथ ना आपके जो खाना है ना वो जल्दी भी बन जाएगा। तो छोले वगैरह मैंने बना दिए, और ये नहाने के बाद की वीडियो है। अब मैं आई, नहा कर आई, फटाफट से पहले मैंने सब्जी बना दी, उसके बाद फिर ना अभी मेरी पूजा करना बाकी है। तो मैंने कहा कि पहले मैं सब्जी बना देती हूँ ताकि जय है ना खाना खा के चले जाएँ, उसके बाद है ना फिर मैं आराम से तसल्ली से बैठ कर ना अपनी पूजा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि वो खाना के लिए। हेलो एवरीवन, तो अब मैं नहाकर आ चुकी, अभी नहीं काफ़ी देर पहले आ चुकी हूँ, और अभी मैंने जस्ट यहाँ लाइट चालू कर दी है। देखो लाइट बंद करके दिखाती हूँ, है ना, मैंने यहाँ पर लाइट चालू कर दी है क्योंकि ना कभी कभी अच्छा लगता है। अरे मेरा बाबू भी नहाकर आ गया है, इतनी छाली बॉडी है, मुझे तो छुमाली बॉडी दिखती नहीं है, इतनी छाली बॉडी इधर नहीं होती है, बॉडी इधर होती है, ऐसे हाथ करो, जेले बॉडी, जेले बॉडी ये छे। और जो नहा के रेडी हो गया, कैसा लग रहा है? अरे मेरे हीलो, तू तो मेरा हीलो, और मेरी हीरोइन नहाने डाली है, जा रही यार, चल जल्दी ना करा। और मैं ना अभी पिन ला, मेरे जूड़ा पिन है बेटा, बेटा अरे मैं बेटा पिन रह गई थी, अरे मेरे ला जाओ बेटा, वच और कह दू, इधर देखो तो ऑल के दू एक बार, ये मतलब पालो बेटा, मैं मिले लाज कुमार लेते थे, मेरा छोटा था बाबू है, टॉयल बाथरूम में बेटा। और अभी ना मुझे पूजा करनी है, मोलू ना जलाओ मोलू। और मुझे कल किसी ने कहा था ना कि दिया बेड पे कपड़े रखा करो, बाहर मत रख, यानी सोफे पे मत रखा करो, अच्छा नहीं लगता। तो मैं अभी नहाने से पहले गई, कपड़े लेकर आई, जो धोए थे सुबह वो सुखा कर आई, लेकिन इनको घड़ी तब करूंगी जब मैं पूजा वूजा करके फ्री हो जाऊंगी तब। और अभी तो फिलहाल के लिए मैं सारे जो बर्तन है ना ठाकुर जी और माता रानी के भोग के और पूजा के, वो सारे बर्तन मैं लेकर जा रही हूँ धोने के लिए, ये रहे मेरे। और मुझे भी ठाकुर जी को भी नहलाना है, लक्ष्मी गणेश को भी नहलाना है। मोलू मान जा बेटा, पूरे घर की लाइट बंद कर दी उसने, देखो कुछ ना कुछ करता ही रहता है वो। और सासू माँ बाहर हैं, पानी दे रही हैं आरू के साथ, क्योंकि मैं भी पूजा करने वाली हूँ, तो लाइट जला दूँ।
और काफी लोग पूछते ना कि थी आप ना पूजा के बर्तन किससे साफ करते हो, तो ये पीताम्बरी जो होती है ना उससे मैं साफ करती हूँ, तो अभी मैं उसी से सारे बर्तन साफ करूंगी। तो ठाकुर जी की पूजा हो गई, भगवान जी की सभी की पूजा हो गई यानी, और भोग भी लग गया है, तो थोड़ी देर बाद भोग हटाऊंगी, अभी नहीं हटाऊंगी। जब तक दिया बढ़ेगा नहीं तब तक भोग भी रखा रहेगा। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई कंप्लीट, अब चलते हैं किचन में। तो मैंने बाल है ना उनको बांध लिया, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी बहुत भयंकर वाली, बालों को मैंने बांध लिया। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि छोले चावल तो बन चुके हैं और अभी मुझे बनानी है रोटी। तो मम्मी है ना वो खा रही है छोले चावल। कांगी यारू कांगी ले गई खरबूजा, ले गई बाबा ये नहीं खा रहे चावल और ये नहीं खा रहे छोले चावल। मीठा तो लग नहीं रहा है मेरे को, मैं तो दे रही हूँ। हाँ मैं अब बनाऊँ रोटी, रोटी के टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे बनाने का। तो चलिए अब है ना मेरा मन तो कर रहा है कि पहले ना मैं थोड़े से छोले चावल खा लूं, उसके बाद है ना रोटी बनाऊं, क्योंकि है ना भूख लग रही है मुझे भी, क्योंकि टाइम होने आया शायद 12 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, अभी नहीं बजे, अभी 11:30 बज रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, तो इसी आटे की बना लूंगी मैं रोटी, क्योंकि आटा मुझे बिगाड़ना नहीं है। वाओ मुझे पता ही नहीं है पतिदेव बड़े ही छुपे छुपे रुस्तम है, देखिए मिठाई लाकर रखी है और हमको पता ही नहीं है कि फ्रिज में मिठाई रखी है, क्योंकि वो है ना मीठे के बहुत बड़े दास हैं, उनको मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है, तो लेकर आ गए हैं। तो चलो मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ मीठा खा के, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी चीज है, क्योंकि आजकल मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और पूरी बॉडी में ना दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ मैं डाइट प्लान कुछ नहीं कर रही हूँ, खा तो मैं सब रही हूँ दबा के खा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ना मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रही हूँ। मैंने 3 दिन से एक्सरसाइज कर रही है और रियली गाइस पता है कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, ये जो पेट का ये हिस्सा है ना ये कितना ज्यादा मेरा निकल गया है, इसमें दर्द हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सरसाइज पे मेरे बर्डन पड़ रहा है ना अभी बॉडी के किसी हिस्से पे, तो ये जो कमर है ये और ये पेट है, क्योंकि मैं इसी की वजह से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ कुछ दिनों में ना, मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए अब मैं ना पहले एक मिठाई का पीस तो खा ही लेती हूँ, क्योंकि मीठा है ना आप कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन कभी भी प्रॉपर मीठा बंद मत करना, वो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो एक पीस तो बनता है, मैं खा लेती हूँ। देखो मोलू ने पूरे घर का क्या हाल करके रखा है, आपको दिखेगा, देखो ये कीचड़ है, नॉर्मल पानी नहीं है, पूरी कीचड़ यहाँ दिखेगा, देखो आपको ये पूरा लेके यहाँ से बाहर तक, और यहाँ देखो बाथरूम में देखो पूरे घर की, आपको ना कैमरे में इतना नहीं दिख रहा, रियल में इतना गंदा घर कर दिया ना इसने, 5 मिनट में किचन में गई काम करने और देखो पूरे घर की हालत, कुछ भी करता है सच में। जब से बीमार हुआ है ना तब से इसको, और पता है मैं अगर गुस्से में इसको मार भी दूं ना तो ये पहले की तरह रोता नहीं है, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत मैं जानबूझ के मार के देखती हूँ कि रोएगा कि नहीं, तो लेकिन वो रोता नहीं है, और पहले थोड़ा सा भी डांट देती थी ना तो रोने लगता था, अब नहीं रोता है। तो आप सब सोचोगे कि आज ससुर जी मेरे घर कैसे आ गए, क्योंकि मैं भी खुद सोच रही थी कि आज कैसे अंदर आ गए, वो भी मैंने लोअर टी शर्ट पहनी थी। तो जब वो बीमारी में घर में आ सकते हैं, मेरे हाथों से ब्रेड ले सकते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि नॉर्मल में भी हमको यही प्यार वो दे सकते हैं ना, हम लोग भी अपने माँ बाप का घर छोड़ के आते हैं, तो क्या हमको ससुराल में प्यार नहीं मिल सकता, आप लोग बताना क्या मैं गलत हूँ।